नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 9 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा था कि 8, 9, 10th ये तीनों दिन मिस हुआ था, तो क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो इसके कारण मैं अभी थोड़ा वीडियो लेट से लेके आ रहा हूँ। बट हाँ, हमेशा की तरह वीडियोज़ आएंगे ज़रूर, ये चीज़ आप अश्योर्ड रहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर वीडियो लेट से आ रही तो वीडियो रेलेवेंट नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ जो रेलेवेंट पहले भी थे वो आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम को डेली बेसिस पे ही, आपको जनरल नॉलेज को डेली बेसिस पे नहीं पूछता है ना, मतलब सुबह पढ़ोगे तो रात को कोई पूछेगा ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आपको तो एक कंटिन्यूस बेसिस पे सारे न्यूज़ के अपडेट होने चाहिए, वो आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। आजकल लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी हेल्प हो रहा है, तो आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और भी लोगों को दोस्तों शेयर करिए, ताकि लोगों के पास अगर सब्सक्राइब करने से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जाते तो उन्हें भी हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक होल्ड्स रेट फॉर सेकंड टाइम इन अ रो। देखिए, एक्चुअली है क्या कि रिजर्व बैंक वापस से 6.5% पे होल्ड कर लिया है इंटरेस्ट रेट को। आज जो है कई सारे न्यूज़ आरबीआई से जो रिलेटेड है, जो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखा है। बट ठीक है, हम एक एक करके सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो 6.5% आरबीआई पिछले अपने मीटिंग में भी बोला था, और इस मीटिंग में भी 6.5% होल्ड करके रखा है। आरबीआई कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स है जो कि अभी तो खैर इन्फ्लेशन अभी आरबीआई कह रहा है कंट्रोल में है, बट हम चाहते हैं कि और थोड़ा डिक्रीज हो, तब जाके हम रेट कट का सोच सकते हैं। फिर उसके बाद आरबीआई ने कहा है कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ स्टेडीली इंप्रूविंग, बिकमिंग ब्रॉड बेस्ड एज रिफ्लेक्टेड इन मैक्रो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई कह रहे हैं कि बैंक और कॉर्पोरेट्स के भी बैलेंस शीट हेल्दी है, और रुपी वगैरह भी स्टेबल है, तो आने वाला टाइम में हो सकता हो रेट कट हो। लेकिन अगेन, आरबीआई ने उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। आरबीआई ये चीज़ बोला कि वी आर इन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। आप समझ लीजिए कि भाई अभी आने वाला टाइम है मॉनसून, वो काफ़ी हिट कर सकता है, तो अगर वो इराटिक रेनफॉल हुआ तो उसके कारण फूड और ये सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आरबीआई थोड़ा कॉशियस होकर कर रहा है। तो बट हाँ, कई सारे स्ट्रीट ने, मतलब दलाल स्ट्रीट ने तो काफ़ी उसे वेलकम किया इस डिसीजन को, और भी कई सारे सेक्टर्स ने वेलकम किया। हम जो सेक्टर्स का न्यूज़ में कवर है हम उसको एक एक करके देख लेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, छोटा सा डेवलपमेंट, वही गो फर्स्ट के केस में। गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी फ्रॉडलेंट डिलीवरी, आईआरपी गेट्स 2 वीक टू रिप्लाई। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि डिलीवरी जो एक आपने सुना होगा, एक कंपनी जिसका भी हाल फिलहाल में आईपीओ भी हुआ था, उसने गो फर्स्ट को कुछ एडवांस किया था। आई थिंक कुछ 57 लाख के आसपास एडवांस किया था। तो ये गो फर्स्ट ने एडवांस ले लिया कब? मई 2 को, और उन्हें पता था कि हम थोड़े दिन में इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करने वाले हैं। तो डिलीवरी बोल रहा है कि भाई जब आपको पता था आप इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करने वाले हो और डिसाइडेड था, तो फिर आप ऐसे मेरे से एडवांस आपने लिया क्यों? आप मना कर देते कि नहीं, वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट द कंपनी, वी आर गोइंग फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड दिस इज़ अ फ्रॉड। तो बस ये चीज़ को लेके कि भाई अब आगे आने वाला टाइम में क्या डिसीजन होता है, उसको कैसे पैसा लौटाया जाता है, ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन सकता है इंसॉल्वेंसी की केस स्टडी में। तो देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है इस चीज़ में, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके लिए। फिर उसके बाद कस्टमाइज्ड आईबीसी रेजोल्यूशंस फॉर रियल्टी एंड कार्ड्स। मैंने आपको बताया था कि रियल एस्टेट्स का एक्चुअली क्या है कि रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स थोड़े अलग होते हैं। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के जो होम बायर्स होते हैं वो मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं, जो कि हम ये आईपीसी वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई आप ऐसा कोई लॉ लेके आओ जिससे आईबीसी तक हमें जाना ना पड़े, ठीक है। तो एक लॉ का सजेशन ये चीज़ है कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है अलग अलग कंपनीज़ के, उसके डिफरेंट डिफरेंट आईबीसी इनिशिएट हो, अनलेस वो पूरा का पूरा कंपनी डूबने वाला है। सपोज़ मान लीजिए डीएलएफ के 100 प्रोजेक्ट्स है, 100 में से उन्होंने 20 पे थोड़ा डिफॉल्ट कर दिया है, वो लोग डीले करते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, और उनके पास अभी पैसा नहीं बनाने को। बट 80 वो ऑलरेडी बना चुके हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीशन के फेज में आ चुका है, तो 80 के वो 20 के कारण प्रॉपर पूरा 100 तो सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि भाई थोड़ा डाइसेक्ट कर दो इस चीज़ को, ताकि जो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली फेल होने वाला है उस प्रोजेक्ट को लेके हम इनिशिएट कर लें, अनलेस के पूरा पूरा कंपनी फेल होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई
आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है फिर आपको मल्टीपल प्रोफेशनल्स अपॉइंट करना पड़े, है ना। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप अलग अलग टाइप का रेजोल्यूशन लेके आते हो तो मल्टीपल आपको प्रोफेशनल अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि स्ट्रेस और डिफॉल्ट का जो केसेस है वो बढ़ सकता है अगर आपके इंटर प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में है एंड उससे आप क्या कर रहे हो, उससे दूसरे प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसा, जिस जो प्रोजेक्ट हेल्दीली मतलब हेल्दी तरीके से चल रहा हो, ताकि क्या होगा कि भाई एक प्रोजेक्ट तो वो तो डूबने वाला, वो तो डूब ही रहा है, उन्हें भी पता है भाई ठीक है ये तो इंसॉल्वेंसी पे जा रहा है, तो दूसरे प्रोजेक्ट जहाँ पे पैसा हम मतलब पैसा ऑलरेडी है उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि लॉस हो तो इन्वेस्टर्स का लॉस हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों अबाउट 24 ग्लोबल ब्रांड्स लाइकली टू सेटअप शॉप इन इंडिया दिस ईयर। ये न्यूज़ दोस्तों पर मैंने बस इसलिए कवर कर लिया कि एक तो ये फ्रंट पेज में है इसलिए कवर कर लिया, और सेकंड चीज़ ये है कि आपको ये भी चीज़ बताना था कि भाई रिटेल जो कंपनीज है वो काफ़ी अभी इंडिया में सेटअप हो रही है क्योंकि कंज्यूमर सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाला टाइम में कई सारे ब्रांड्स इंडिया में आ सकते हैं एंड आएंगे धीरे धीरे करके, तो इस टाइम में ये आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा अगर आप जो फैशन रिलेटेड जो ब्रांड्स है जो इंडिया में आ रहे उस वो आप एक बार थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे कि मैं एक स्टॉक जानता हूँ ABFRL कंपनी जो है वो काफ़ी फैशन ये सब चीज़ में इन्वेस्टेड है, तो इसमें क्या है तो अगर जो ये फैशन के ब्रांड्स अगर इंडिया में आएंगे तो इसका स्टॉक ऊपर भाग सकता है। बस देखिए ये मेरा एक सजेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए इन्वेस्ट करने से पहले। मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि और मैं अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट डालूंगा अभी इसमें, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया है और भी मैं इन्वेस्ट करूंगा इस स्टॉक में, तो आप पर्टिकुलरली आप अपना कॉल लेने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद भी कर लें। दोस्तों मैं पॉलिटिकल न्यूज़ तो कवर नहीं करता, बट आज एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैं देखा इस 9 जून के न्यूज़पेपर में, असम सेट टू काउंट द गिविंग सैपलिंग एंड ट्री, ठीक है। असम गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि आप जैसी एक ट्री प्लांटेशन करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा एंड फर्दर 200 अगर वो ट्री 3 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाए तो। मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इनफैक्ट ये चीज़ और भी अलग अलग तरीके से इनोवेटिव तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट को इनफैक्ट लेके आना चाहिए, सो दैट आप भी देख लो कितना हीट बढ़ गया, कितना गर्म मतलब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है, तो ये ट्री प्लांटेशन बहुत हद तक कर्व करेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों इंडिया आईज फाइनल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर मेटल्स। एक्चुअली इंडिया क्या कर रहा है कि मेटल पे भी आपको एक BIS का मार्क होना चाहिए, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ताकि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेटल से बिके, हर किसी क्वालिटी का मेटल ना बिके। दोस्तों क्या है ना कि हमारे कंट्री में जब भी मेटल बिकता है ना उसका कोई क्वालिटी नहीं होता, ऑब्वियसली देखिए ग्रेडिंग होता है बट एक सर्टिफाइड मार्क नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है ये BIS द्वारा सर्टिफाइड है, तो इस चीज़ को लेके और तो इससे क्या होता है कि कई सारे इम्पोर्ट भी होते रहते हैं सस्ते क्वालिटी के, एल्यूमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और कई सारे क्या होता है कि भाई मतलब जब आप और मैं भी खरीदते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्वालिटी का, इतना जो हमें बोला जाता मान लेते, तो अब BIS का मार्क से क्या होगा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के नीचे एल्यूमिनियम और ये सब अलग मेटल्स बिकेंगे ही नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों मानसून अराइव्स इन केरला अ वीक लेट। अच्छी बात है कि मानसून 9 जून को अराइव कर गया था केरला में, इनफैक्ट 8 जून की बात है ये, तो ये ऑलरेडी लेट है एंड ये एक्चुअली 7 जून को अराइव किया था, जो मैं अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ 7 जून को अराइव किया था, तो ये प्रेडिक्टेड था कि 3 या 4 को अराइव कर जाएगा, तो एग्जैक्ट तो देखिए कोई नहीं बता पाता, थोड़ा लेट आगे पीछे तो चलता ही है, बट इसका ये मतलब नहीं, ये IMD ने ये प्रेडिक्ट किया कि इसका ये मतलब नहीं कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में बारिश लेट से ही होगा, वो हो सकता है वो टाइम पे ही हो। छोटा सा न्यूज़ था मानसून का तो मैंने कवर। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यूजर्स ट्रेस्ड ओवर 2.5 लाख मिसिंग फोन्स यूजिंग DOT's AI पोर्टल। देखिए आपको इस चीज़ में बता दूं कि DOT का मैंने इस न्यूज़ में भी कवर किया था पहले भी, DOT का AI पोर्टल ऑलरेडी एक महीना पहले लॉन्च हो चुका था, जब मैं May 9th का न्यूज़ कवर कर रहा था तो मैंने उसमें बताया था। इससे क्या हो रहा है कि भाई आप जब अपना IMEI नंबर डालोगे ना उस पोर्टल पे तो आपको वो पोर्टल अलाउ कर देगा कि भाई क्या आप वो फ़ोन को क्या करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो कि क्या लॉस्ट अगर आप डाल दो तो वो IMEI नंबर बंद कर देता है। इससे क्या हो रहा है जो सेलिंग है ना नए फ़ोन्स का जो प्रीमियम फ़ोन्स का वो मार्केट में नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि फ़ोन लॉक हो जाता है IMEI नंबर से। अब इसमें ना मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन अगर ले रहे होंगे
तो ज़रूर से इस पोर्टल पे लॉगिन करके आप ज़रूर से चेक करिए कि भाई कहीं आपका जो फ़ोन है वो IMEI नंबर उसका ब्लॉक तो नहीं है, तो अगर और कहीं वो चोरी का फ़ोन तो नहीं है, तो इससे आप वो पोर्टल से तुरंत चेक कर सकते हैं अगर वो यूज़र जिसका फ़ोन चोरी हुआ उसने पोर्टल पर वो चीज़ अपडेट किया होगा। तो पोर्टल का क्या नाम है, संचार साथी पोर्टल, ठीक है, तो इस पर आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये पोर्टल को यूज़ करें क्योंकि कई लोगों ने बेनिफिश 2.5 लाख फ़ोन ट्रेस हो गए सिर्फ एक महीने में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशनरी होने वाला है। जो मोबाइल फ़ोन को जो चोरी होती है बिकते हैं जो सेकेंड हैंड फ़ोन, वो आप काफ़ी हद तक कर्प हो जाएगा। फिर उसके बाद RBI लेट्स बैंक डिसाइड कॉल बोरोइंग लिमिट्स। एक्चुअली देखिए क्या है कि बैंक को लिक्विडिटी देने के चक्कर में RBI ने ये चीज़ किया कि भाई आप अपना बोरोइंग लिमिट खुद सेट करिए। एज इन जब RBI जब बोरो करती है ना तो एक लिमिट रहती है उस पर इम्पोज, जैसे कि आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक लिमिट इम्पोज करता है कि आपके पास इतना लिक्विड एसेट होना ही चाहिए तब जाके आप इतना बोरो कर सकते हो। तो हर तरीके से RBI ने एक लिमिट इम्पोज करके रखा है कि बैंक इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती है। अब जो है RBI जो है जो ओवरनाइट जो बोरिंग रहती है बैंक्स की, जिसे मनी मार्केट कहते हैं कि ओवरनाइट बोरिंग जिसमें रहता है जिसमें मनी मार्केट कहते हैं, तो उसमें क्या बैंक्स के ऊपर एक लिमिट इम्पोज किया जाता है कि भाई हर आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। तो अब क्या RBI ने उस लिमिट को हटा दिया। RBI कहते हैं कि भाई अब आपको जितना बोरिंग करना है करो, क्योंकि देखिए ये बोरिंग विदाउट कोलेट्रल रहता है, ठीक है, और इस पर क्या होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फंड्स को सिर्फ मीट करने के लिए बैंक से ये सब चीज़ बोरो करती है। RBI ये चीज़ कहता है कि भाई आप अपने तरीके से बोरोइंग कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना फंड कर बस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लीजिए, एज इन अपने जो शॉर्ट टर्म फंड्स का जो रिक्वायरमेंट रहता है आप उसे पूरा कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे किसको फ़ायदा होगा, जो बैंक्स जिनकी जो कैपिटल फंड्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और उनके बोरोइंग के जो कभी कभी जो रिक्वायरमेंट आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, उनको इस लिमिट से काफ़ी फ़ायदा होगा, लिमिट हटाने से काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है वन टाइम सेटलमेंट गाइडेंस ओवरऑल। मैं आपको ये बता देता हूँ ये कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली कई बार क्या होता है जब बोरोर्स लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाते तो एक वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। अब वो वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन अब RBI ने कहा है कि भाई थोड़ा डिटेल इंस्ट्रक्शन रह जाएगा, जैसे कि बोर्ड जब अप्रूव करती है इनका जो वन टाइम सेटलमेंट का गाइडलाइन है उसे एक मैक्सिमम लिमिट कितना अमाउंट को आप अप्रूव कर सकती है, कौन वो अप्रूविंग अथॉरिटी रहेगा, एंड अप्रूविंग अथॉरिटी शुड बी अबव और या शुड बी सेपरेट फ्रॉम दी मतलब जो बोरिंग दे रहे उस अथॉरिटी से, ठीक है। सपोज मान लो बोरिंग ए टीम दे रही है, मतलब बोरिंग अप्रूवल ए टीम दे रही है, तो जो वन टाइम सेटलमेंट है उसे अप्रूव करेगी बी टीम, सो दैट वो दोनों में दोनों अगर सेम कर रही होगी तो सोचो दोस्तों अप्रूव भी एक ही टीम कर रही है और वन टाइम सेटलमेंट भी उसे भी वही अप्रूव करती है, तो इससे तो फ्रॉडलैंड का क्लेम्स बहुत बढ़ जाता है ना। फिर उसके बाद जो विलफुल डिफॉल्ट है या जो कि कोई फ्रॉड तरीके से डिफॉल्ट किया गया है, ठीक है, कोई अकाउंट में, उस पर फिर बोर्ड का अप्रूवल लगेगा वन टाइम सेटलमेंट के लिए। तो ऐसा गाइडलाइन RBI ने निकाला है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नॉट फॉर फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी टू गिव अ लैंडिंग फिलिप टू फिनटेक्स। एक्चुअली देखिए है क्या ये न्यूज़, मैं इसे डिटेल में कवर करूँगा, अभी बस आप इतना समझ लीजिए। मैं इसे डिटेल में एक शॉर्ट या एक वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि ये समझाना मुझे काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझा दूंगा ये चीज़ लेकिन एक अलग से वीडियो में। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी है उस पर क्या है कि जो फिनटेक्स वगैरह जो लोन देती है ना, सपोज मान लो फिनटेक्स बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 करोड़ रुपया लेती है, वो 100 लोग को 1-1 लाख रुपए का लोन दे देती है। अब वो 100 लोग में से जब कोई एक बंदा डिफॉल्ट करेगा तो पैसा कौन देगा, क्या वो फिनटेक देगा क्या वो बैंक देगी। तो अब गाइडलाइन ये आ गया है कि फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का मतलब ये है कि भाई जो पहले क्या था कि पहले वो फिनटेक नहीं देती थी इसका लॉस का भरपाई, वो बैंक का लॉस हो जाता था। अब ये चीज़ है कि भाई फिनटेक को भी इस चीज़ में थोड़ा शेयर लेना पड़ेगा अपना लॉस का। डिटेल क्या परसेंटेज है, क्यों RBI ने ये चीज़ लिखा है, क्या इंपैक्ट होगा फिनटेक में, मैं आपको इस चीज़ को कवर कर दूंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स गिवन टाइम अंटिल FY 2026 टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लोन नॉर्म्स। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो नॉर्म्स है वो ऐसा कहता है कि भाई कुछ सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSMEs हो गया, और कुछ ऐसे 8 सेक्टर्स का है जिनको आपको प्रायोरिटी मतलब आपको इतना लेंडिंग तो देना ही पड़ेगा उन सारे सेक्टर्स को। तो अब क्या है कि भाई
आरबीआई ने इस चीज़ को 40% से 75% कर दिया है ऑलरेडी 2020 में, जब ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जब ये डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद आरबीआई ने इसको 75% तक कर दिया था, बट कई सारे कोऑपरेटिव बैंक इस चीज़ को कंप्लाई नहीं कर पा रहे। और देखिए एक चीज़ और है कि अगर आपको कंप्लाई करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली लोन देना पड़ेगा, हो सकता है कोई और बैंक दिया लोन, आप उससे लोन खरीद भी सकते हो, ऐसा भी होता है। तो अब आरबीआई ने उसका एक्सटेंशन बढ़ा दिया, FY26 कर दिया। आरबीआई ने और एक परमिशन दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि दिल बी एबल टू राइट ऑफ वुड विल आल्सो बी एबल टू डू टेक्निकल राइट ऑफ्स एंड एग्जीक्यूट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स विद डिफॉल्टिंग बोरोअर्स। ठीक है, पहले ये UCBs को ये चीज़ का परमिशन नहीं था, ठीक है, अब जो है वो टेक्निकल राइट ऑफ खुद ही कर सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज एज इन जो सेटलमेंट का चीज़ है वो खुद ही लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आरबीआई एम्स फॉर 1 मिलियन CBDC यूजर्स बाय जून एंड UPI इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई UPI और CBDC के बीच में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके बीच में एक मतलब आप हो सकता हो UPI से डायरेक्टली CBDC में पैसा पेमेंट कर दो, CBDC से हो सकता है आप UPI में डायरेक्टली पैसा पेमेंट कर दो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। और 1 मिलियन CBDC यूजर, CBDC मतलब कुछ नहीं दोस्तों, एक टाइप का डिजिटल करेंसी हो गया जो कि RBI के द्वारा बैक्ड है, तो वो UPI से ऑब्वियसली अलग है। तो जैसे RBI का बोल सकते हो, RBI का डिजिटल करेंसी, मैं ये नहीं बोलूँगा क्रिप्टो करेंसी, बट RBI का डिजिटल करेंसी, तो RBI इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, सो दैट वो जो क्रिप्टो करेंसीज भी जो मार्केट में आ रहे थे, RBI उस चीज़ को चाहते थे कि भाई लोग क्रिप्टो करेंसी को पहले अडॉप्ट ना करें बल्कि हमारा जो करेंसी है डिजिटल करेंसी उसे अडॉप्ट करें। फिर उसके बाद RBI टू गिव मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट ECL बेस्ड प्रोविजनिंग। देखिए ECL बेस्ड प्रोविजनिंग मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग, इस पर क्या होता है कि भाई आपको आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स है, सपोज मान लीजिए लोन्स है, गारंटीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, आपको 3 स्टेज में इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट लॉसेज ऑन देम, Stage 1, Stage 2, Stage 3। Stage 1 वाले कम लॉस, Stage 2 वाले बहुत ज़्यादा लॉस, Stage 3 वाले और ज़्यादा लॉस। ठीक है, और जैसे जैसे Stage 1 से Stage 2 में जब कोई लोन चल जाता है वो क्या कैसे होता है, देखिए दोस्तों टेन्योर बेसिस पे होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दिन तक अगर कोई लोन डिफॉल्ट में है तो वो Stage 1 से Stage 2 चल जाएगा, फिर Stage 3 चल जाएगा, और फिर प्रोविजनिंग भी उस हिसाब से होता है, जैसे Stage 1 में कुछ कम परसेंटेज का प्रोविजनिंग रहता है, Stage 2 में ज़्यादा प्रोविजनिंग रहता है, Stage 3 में और ज़्यादा प्रोविजनिंग रहता है। तो इससे क्या होता है कि भाई आप जैसे प्रोविजन कर रहे होते हैं तो आपको उतना ही कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपका वो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मीट कर पाए। तो इसके कारण क्या है, RBI ने थोड़ा सा ECL बेस्ड प्रोविजनिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सो दैट बैंक्स जो अभी कैपिटल को मीट नहीं कर पा रहे उन्हें थोड़ा और टाइम मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, होम सेल्स टू स्टे ऑन ग्रोथ पाथ एज RBI होल्ड्स रेपो रेट। बस ये छोटा सा न्यूज है दोस्तों, क्योंकि अब जैसे जो RBI ने 6.5% पे रखा है रेपो रेट, तो होम लोन जो है अभी ऑलमोस्ट 9% पे आ चुका है, जो कि एक साल पहले 6.6% था, तो अभी भी लोगों का सेंटिमेंट अच्छा रहेगा, ऐसा होम बायर्स होम मतलब रियल एस्टेट कंपनीज का कहना है कि भाई बायर्स के सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे इसके बाद भी, और काफ़ी अच्छा उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को, और हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी 2 टाइम से इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करके रखा है, कॉन्स्टेंट करके रखा है, तो हो सकता है आने वाला टाइम में और कम हो जाए इंटरेस्ट रेट, तो उससे होम बाइंग और बढ़ जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडस्ट्री बॉडीज सीक TCS रिलीफ फॉर लोकल ट्रैवल एजेंट्स। दोस्तों ये काफ़ी फनी न्यूज़ है, होता है ना बड़े बड़े लॉस जब हम बना लेते हैं तो उसमें लूपहोल काफ़ी खराब हो जाता है, खराब कर देता है लॉ को। एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट का जो लॉ है TCS को लेकर, जो ट्रैवलिंग को लेकर, 1 जुलाई के बाद अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो 20% आपको TCS मिलेगा, लेकिन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में गवर्नमेंट ने 7 लाख तक का TCS एग्जेम्पशन दिया है कि भाई TCS उस पर एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो TCS जो डोमेस्टिक जो बुक करते हैं, मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट जब बुक करेंगे किसी एक अपने क्लाइंट के लिए जो कि इंडिया में है, तब वो TCS लगेगा, लेकिन अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवलर एजेंट है उसे तो TCS कलेक्ट नहीं करना है, तो वो जब बुक करेगा तो TCS तो नहीं लगेगा। तो इनका ये कहना है कि भाई ऐसे अगर आप करते रहोगे तो डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट्स वाले लोग क्या करेंगे, मतलब डोमेस्टिक ट्रैवलर्स क्या करेंगे, बाहर से अपना टिकट बनवा लेंगे 7 लाख रुपये के अंदर अंदर, तो इससे तो TCS बच जाएगा, इससे तो डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट वाले लोग तो मतलब बहुत लॉस हो जाएगा उनको। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डायबिटीज़ ड्रग में भी पिल फॉर लॉन्ग कोविड। एक्चुअली ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ आया तो है बट मुझे डिस्कस करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं है इस न्यूज़ के लिए, क्योंकि एक न्यू स्टडी ये कहता है कि डायबिटीज़ का जो ड्रग है मेटामॉर्फिन, दिस कैन बी यूज टू क्योर लॉन्ग कोविड, लॉन्ग कोविड एज इन जो लंबे समय के लिए जो कोविड वगैरह जो उसके
इफेक्ट है उसको कम करने के लिए। बट अगेन ये क्योंकि रिसर्च के थ्रू प्रूफ नहीं है, बट जो स्टडी किया गया है ये चीज़ ये बोला गया है कि भाई जिसको कोविड रहता है वो कुछ अगर स्टार्टिंग के कुछ डेज में अगर वो टैबलेट ले लेता है तो इससे क्या होता है कि उसको लॉन्ग कोविड का इफेक्ट कम हो जाता है। बट अगेन क्योंकि ये प्रूवन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कोई भी ना खुद ले ना किसी अपने जान पहचान को दे, एक बार थोड़ा सा प्रॉपर गवर्नमेंट का स्टडी हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज कर देने दीजिए, जब गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आ जाएगा तब आप हाँ हो सकता है ये मेडिसिन वो भी डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ब्रिटिश रेगुलेटर क्लैम्प्स डाउन ऑन क्रिप्टो सेक्टर। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ ये बोलता है कि जो ब्रिटिश रेगुलेटर है उन्होंने क्रिप्टो में ये चीज़ बोला है कि भाई आप जो है क्रिप्टो का जब सेलिंग कर रहे होंगे, जब एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे तो उसे प्रॉपरली आप हाईलाइट करोगे कि क्रिप्टो इज़ रियली वेरी रिस्की एंड इस पे आपके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा है। इनफैक्ट जो आप देखते होंगे ऐप वगैरह क्रिप्टो के ऐप वगैरह में ना रेफरल पॉइंट रहता है, तो उन्होंने उसको भी बैन कर दिया कि भाई रिस्की एसेट इतना है और आप उसके ऊपर से फिर आप उसको रेफरल पॉइंट दे रहे हो और उसे प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो उसने भी बैन कर दिया। एक्चुअली देखिए दोस्तों क्या है क्रिप्टो में, अभी मैं आपको एक न्यूज़ और दिखाऊंगा क्रिप्टो में, उस पर US के रेगुलेटर्स ने भी क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी रेगुलेशन लेके आए। तो क्रिप्टो जो असल में जो ओरिजिन हुआ था ना वो ये हुआ था कि भाई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर चीज़ों को ट्रैक रख पाती है, डिजिटल पेमेंट्स का ट्रैक रख पाती है, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रीच के बाहर हो। क्योंकि ये 2020 में एक थोड़ा सा बूम आया, लोग काफ़ी इसमें इन्वेस्ट करने लगे और काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दे दिया, इसके कारण क्रिप्टो और फेमस हो गया। अब जैसे ही फेमस हुआ तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इस चीज़ पता चल गया कि भाई ये अल्टरनेट मीडियम निकाल सकते हैं, ऐसा चांसेस है, तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करना चालू कर दिया अच्छे से। अब जब रेगुलेट करना चालू कर दिया तो ऑब्वियसली जब क्रिप्टो का मोटो यही था कि हम रेगुलेट ना, और वो रेगुलेट होना चालू हो गए, फिर क्रिप्टो करेंसीज ने ये चीज़ बोला कि नहीं हाँ हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे, डिजिटल करेंसी को प्रमोट करेंगे ये वगैरह वगैरह, बट मेन जो उनका जो पॉइंट था वो ख़त्म ही हो गया। तो इसके कारण अब तो जो है मैं तो बोलता हूँ क्रिप्टो, मुझे नहीं पता अगेन आने वाला टाइम में क्या होगा, बट अभी के टाइम में तो क्रिप्टो में जो भी इन्वेस्ट किए हैं उनका पैसा अगर एकदम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए तो अब पैसा हाँ थोड़ा बढ़ा है, मतलब बहुत अच्छा खासा बढ़ा है, बट अगर बीच में इन्वेस्ट किए जहाँ पे बूम में था क्रिप्टो तो सबका पैसा अभी डाउन में ही है। ये देखिए जो मैं आपको न्यूज़ के बारे में बोल रहा था, US क्रिप्टो कंपनी स्टार्ट लुकिंग अब्रॉड आफ्टर गवर्नमेंट क्रैकडाउन। एक्चुअली गवर्नमेंट ने US में गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी क्रैकडाउन किया है ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई जो कंपनीज है वो कंट्री छोड़ छोड़ के जा रही है, जैसे कॉइन बेस पे किया था मैंने आपको बताया था, न्यूज़ में कवर भी किया था उसको, ठीक है, तो वो कंपनीज जो है छोड़ छोड़ के जा रही है, वो अलग अलग आइलैंड में अपना एस्टैब्लिशमेंट डाल रही है जहाँ पर थोड़ा रेगुलेशन कम हो तो कि वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल बिलिंग पॉलिसी, मद्रास हाई कोर्ट एक्सटेंड्स इंटरिम रिलीफ टू स्टार्टअप्स। एक्चुअली देखिए गूगल का बिलिंग पॉलिसी ना काफ़ी क्योंकि देखिए गूगल का एक डोमिनेंट शेयर है मार्केट में, तो ये काफ़ी अनजस्टिफाइड हो जाता है स्मॉल प्लेयर्स या स्टार्टअप कंपनीज को लेके जब उन लोग इतना हाई कमीशन चार्ज करते हैं, तो इसके खिलाफ पिटीशन डाला था गूगल के खिलाफ कंपनी ने, दो स्टार्टअप ने, मैट्रिमोनी ने और शादी.com में, ठीक है, तो उन्होंने पहला दो पिटीशन डाला था और फिर बाद में अलग अलग कंपनी जैसे बायजूस हो गया, फिर उसके बाद अनअकैडमी हो गया, सॉरी बायजूस नहीं अनअकैडमी, कुकू FM, ट्रूली मैडली, ये सब सारी कंपनी जो है वो गूगल के खिलाफ जो है अपना पिटीशन मतलब सपोर्ट किए मैट्रिमोनी और शादी.com को। तो अब क्या है गूगल ने ये चीज़ बोला कि भाई जो लोग हमारा पॉलिसी को कंप्लाई नहीं करेंगे हम उसे जो है डिलिस्ट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। तो इन्होंने अपना फिर वापस से वही जो पिटीशन में चीज़ बोला कि भाई हम ऐसे कैसे डिलिस्ट हो सकते हैं, ये तो हमारा प्लेटफॉर्म जिससे हमारा मेजर सेल हो रहा है और ये तो वही बात हो गया, ये तो धमकी वाली बात हो गई। तो उन्होंने ये चीज़ फिर पिटीशन में चीज़ दिया तो हाईकोर्ट ने ये चीज़ बोला कि नहीं आप इसे अभी डिलिस्ट नहीं कर सकते हो, आप एक काम कर लो जब तक मेरा डिसीजन नहीं आता है आप कंपनीज को डीलिस्ट नहीं करोगे, आप कंपनी से ये डेटा मंगवा लोगे कि जून के महीने में कितना डाउनलोड्स हुआ और उस डाउनलोड के बेसिस पर 4% कमीशन चार्ज करने लगोगे, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होगा भाई उनका भी अभी थोड़ा जब तक मैं रिलीफ नहीं देता हूँ या जब तक मैं अपना डिसीजन नहीं सुनाता हूँ तब तक आप उनको कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो इस डिसीजन के खिलाफ भी ये कुछ कंपनीज ने अपोज किया कि भाई 4% कमीशन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 or 2% भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 4% तो बहुत ही ज़्यादा, किस बेसिस पे हाईकोर्ट ने बोला, तो उस पर भी लोग तो खुश नहीं है, बट एटलीस्ट आप डीलिस्ट नहीं करेंगे ये जो ऐप्स वगैरह को गूगल जो है
तो गूगल के खिलाफ देखिए दोस्तों, मतलब इंटरनेशनली भी काफ़ी अपोज हो रहा है गूगल, काफ़ी एक जो प्राइसिंग है अपना काफ़ी, क्योंकि डोमिनेट करता है मार्केट को, तो काफ़ी अनजस्टिफाइड प्राइसिंग रखता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, ये न्यूज़ 9 जून का कवर हो गया। मैंने आपको बोला था एक न्यूज़ जो मैं ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, दैट इज़ वो फिनटेक के ऊपर जो है, फिनटेक का जो गारंटी वाला चीज़ है उसके ऊपर है। बाकी पेपर कवर हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।